मुस्लिम लीग नून के इंतखाबी मंशूर की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल हो गई हैं। नवाज शरीफ की हिदायत पर बनाए गए मंशूर कमेटी ने काम मुकम्मल कर लिया है। आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून के इंतखाबी मंशूर की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। सईद बलोच हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। सईद बलोच, बताइएगा अहम नुकात, कुछ पता चल सके हैं इस मंशूर के? जी, जो पार्टी का जो इंतखाबी मंशूर तैयार किया जा रहा है उसके हवाले से जो तफसीलात सामने आई हैं, उसके मुताबिक पार्टी राय का ये कहना है कि नवाज शरीफ की हिदायत पर बनाई गई जो मंशूर कमेटी है उसने अपना काम मुकम्मल कर लिया है और पार्टी कायदीन को इसकी जो रिपोर्ट है वो पेश कर दी है। और जो बुनियादी नुकात हमारे सामने आए अब तक आए हैं उनके मुताबिक नौजवान नस्ल पर सबसे ज्यादा मंशूर में फोकस किया गया है। नौजवानों को बारोजगार बनाकर और उन्हें मुल्क को खुशहाल बनाना जो मंशूर है उसका हिस्सा है। इसके साथ साथ ख्वातीन को रोजगार मुहैया करना और मुलाजमत देना ये भी मंशूर का हिस्सा बनाया गया है। इसके अलावा मुल्क को इक्तसादी तरक्की देना, मुल्क को मौजूदा इक्तसादी बुरहान से निकाल कर खुशहाली की तरफ ले जाना ये भी इंतखाबी मंशूर का जुज़ होगा। इसके साथ साथ खारजा पॉलिसी पर भी फोकस किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि इंतखाबी मंशूर के मुताबिक पाकिस्तान जो है अगर इक्तदार में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आ जाती है तो जो हमसाया ममालिक हैं और मुल्क के जो दीगर ममालिक हैं उनके साथ बराबरी की बुनियाद पर जो है वो रिश्ते उस्तवार होंगे। और खारजा पॉलिसी पर भी फोकस किया गया है और इसके साथ साथ मंशूर ये भी कहा गया है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।